हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 केमिस्ट्री चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का स्टडी करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग आज स्टडी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स का महत्व क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है और इसके महत्व है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। अगर कंपेयर किया जाए नेचुरल फाइबर के अपेक्षा में तो सिंथेटिक फाइबर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक नायलॉन का थ्रेड लेते हैं और एक कॉटन का थ्रेड लेते हैं, सिंगल थ्रेड, और उसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो कॉटन का थ्रेड जल्दी टूट जाएंगे और जो नायलॉन के थ्रेड है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि जो सिंथेटिक फाइबर होंगे वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होल्डिंग कैपेसिटी काफी हाई होता है। चूंकि स्ट्रॉन्ग नेचर के होंगे तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा, हाई होगा। सिंथेटिक फाइबर लाइट वेटेड होते हैं, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा में सिंथेटिक फाइबर जो होंगे वो लाइट वेटेड होंगे। सिंथेटिक फाइबर लस्ट्रस नेचर के होते हैं, लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग अपीयरेंस, तो काफी चमकीला नेचर का होता है सिंथेटिक फाइबर। सो दैट सिंथेटिक फाइबर इज लस्ट्रस इन नेचर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो व्रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, यानी व्रिंकल लेस नेचर। व्रिंकल का मतलब मुचरन होना, कपड़े में मुचरन होना। तो अगर कॉटन के कपड़े का और नायलॉन के कपड़े का हम अगर कंपैरिजन करते हैं व्रिंकल रेसिस्टेंट का, तो नायलॉन के कपड़े में मुचरन नहीं होता है, लेकिन सिंथेटिक ये नेचुरल कॉटन के जो कपड़े हैं उसमें मुचरन हो जाता है। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होंगे वो व्रिंकल लेस होंगे या व्रिंकल रेसिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसको ज्यादा केयर करने का जरूरत नहीं है, ये आयरन करने की जरूरत नहीं है उसमें, ज्यादा हम आयरन नहीं करेंगे। अगर हल्का सा उसको अच्छे ढंग से मोड़ करके कपड़े को रख देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कॉटन के जो कपड़े होंगे यानी नेचुरल फाइबर के जो कपड़े होंगे उसमें आयरन की स्क्रीज की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इजी टू मेंटेन एंड लिटिल केयर, यानी बहुत कम केयर करने की जरूरत पड़ती है उसमें। सिंथेटिक फाइबर रेसिस्टेंट टू मोथ्स एंड इंसेक्ट्स। मोथ्स एंड इंसेक्ट्स का मतलब कीड़ा वगैरह से सिंथेटिक फाइबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सिंथेटिक फाइबर इजी टू ड्राई, यानी ड्राई इजीली का मतलब क्या हो गया, तो कॉटन कपड़े और या नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े और सिंथेटिक कपड़े की अगर फैब्रिक की चर्चा करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं। इसलिए या हम उसको ये भी कह सकते हैं नॉन एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं, इसलिए उसको हम इजीली ड्राई कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर इलास्टिक नेचर के होते हैं, यानी इलास्टिसिटी इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है। सिंथेटिक फाइबर को हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर चारों तरफ इजीली अवेलेबल होते हैं और ये चीपर देन नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा में ये सस्ते होते हैं। तो ये सब मेरा एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। क्या होता है सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, सेकेंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड लाइट वेटेड, फोर लस्ट्रस, फाइव व्रिंकल रेसिस्टेंट या व्रिंकल लेस इन नेचर, सिक्स इजी टू मेंटेन एंड लिटिल केयर, सेवन रेसिस्टेंट टू मोथ्स एंड इंसेक्ट्स,
एंड ड्राई इजीलेस इजीली 9, इलास्टिक नेचर के होते हैं, इलास्टिक इन नेचर 10, डाई इन मेनी कलर 11, मोर अवेबिलिटी एंड 12, चीपर देन नेचुरल फाइबर। तो ये एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर हो गए। अब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर का स्टडी कर रहे हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसके कपड़े हम समर सीजन में कंफर्टेबल नहीं है पहनना, क्योंकि वो स्टिकी नेचर के होते हैं, वो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इनका काफी कम होता है, न के बराबर होता है। सो दैट ये समर सीजन में इसके बने हुए कपड़े हम कंफर्टेबल नहीं होता है पहनने में, ये काफी इनफ्लेमेबल नेचर के होते हैं, ये तुरंत फायर को कैच कर लेते हैं। सो दैट ये इनफ्लेमेबल नेचर के इस इनफ्लेमेबल नेचर के होने के कारण से, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कॉटन कपड़े और सिंथेटिक कपड़े में, तो सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं फायर को इजीली कैच कर लेते हैं और कैच करके फायर को कैच करके जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हाईली इन्फ्लामेबल नेचर के होते हैं सिंथेटिक फाइबर, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का मतलब क्या हो गया, नेचुरली ये डिकम्पोज नहीं करते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। और इसके बने हुए सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े जो होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। अगर उस कपड़े को हम पहन ले तो चूंकि स्टिकी नेचर के हो जाते हैं, वाटर को यानी स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से चिपचिपा हो जाता है हमारा कपड़ा, इसलिए ये स्किन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर हो गया। अगर हम कुछ एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी में यदि हम कंपैरिजन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ हम सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, होल्डिंग कैपेसिटी। इसके लिए हम ऊल लेते हैं नेचुरल फाइबर, कॉटन भी नेचुरल फाइबर एंड नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर। यानी हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का होल्डिंग कैपेसिटी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। इसके लिए हमने क्या किया, एक लोहे का बना हुआ इस तरह का बना हुआ होल्डर लेते हैं और सेम साइज का सेम लेंथ का ऊल कॉटन और नायलॉन का थ्रेड लेते हैं। और क्या करेंगे, हम एक एंड को हम ये आपका फाइबर है, ये होल्डर है, क्लियर। और कुछ हम वेट ले लेते हैं, 5 किलो 2 केजी या 10 केजी का हम वेट ले लेते हैं। हम प्रत्येक फाइबर को इस आयरन होल्डर से हम बांध देते हैं और यहां पे हम सेकेंड एंड में हम वेट डाल देते हैं, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी इस तरह का वेट हम लेकर के इसमें हम
बांध देते हैं। हम क्या देखते हैं इसमें कि जो नेचुरल फाइबर है वो जल्दी टूट जाते हैं। हम बढ़ाते जाएंगे, 1 kg डाला, देख लिए कि नहीं टूटा, फिर हम 2 kg डालेंगे, सेकंड में हम 2 kg डालेंगे, 2 kg, फिर हम 5 kg डालेंगे, फिर हम 10 kg डालेंगे। इस तरह हम वेट को बढ़ाते जाएंगे। हम देखते क्या है कि जो कॉटन के थ्रेड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, यानी कॉटन थ्रेड जल्दी टूट जाएंगे। सेकंड, कॉटन थ्रेड काफी जल्दी टूट जाएंगे। तो कॉटन थ्रेड कैसा थ्रेड है, ये नेचुरल है या सिंथेटिक है? तो ये नेचुरल थ्रेड है। उसके बाद उल थ्रेड जो है वो टूट जाएंगे। लेकिन हम लास्ट में क्या देखते हैं, नायलॉन थ्रेड का होल्डिंग कैपेसिटी काफी हाई हो गया, यानी कि कॉटन थ्रेड का लेस होल्डिंग कैपेसिटी हो गया। और नायलॉन का हाई होल्डिंग कैपेसिटी, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या स्टडी किया कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है, किसके अपेक्षा में? नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसका होल्डिंग कैपेसिटी काफी हाई होगा, किसके कंपैरिजन में? तो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसकी होल्डिंग कैपेसिटी काफी हाई होंगे। क्यों? हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या देखा कि हमने प्रत्येक थ्रेड को, जो थ्रेड यहाँ पे राइट किया गया है, उल, कॉटन और नायलॉन, इस तीनों का हमने होल्डिंग कैपेसिटी किसके द्वारा हम स्टडी किया? वेट के द्वारा। हमने इसके लिए क्या किया, हम डिफरेंट वेट को लिया, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, प्रत्येक थ्रेड को इस होल्डर में बांध करके सेकेंड इंडिस में हम वेट को डालते गए। 1 kg डाला, नहीं टूटा, 2 kg डाला, नहीं टूटा, लेकिन 5 kg डाला, टूट गया। तो कौन सा थ्रेड जल्दी टूट गए? तो नेचुरल जो थ्रेड है ये जल्दी के जल्दी टूट गए, और जो सिंथेटिक थ्रेड है वो नहीं टूटे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिंथेटिक थ्रेड होते हैं इसका होल्डिंग कैपेसिटी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपैरिजन में? तो नेचुरल थ्रेड के कंपैरिजन में। क्लियर? अब हम सेकेंड एक्टिविटी लेते हैं। सेकेंड एक्टिविटी का हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का हम लोग अब वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए हम नायलॉन ले लिया, कॉटन एंड उल, यानी कुछ नेचुरल फाइबर और कुछ सिंथेटिक फाइबर को ले लिया, और ये सेम साइज के होंगे, सेम साइज, जितना बड़ा टुकड़ा नायलॉन का है उतना ही बड़ा टुकड़ा कॉटन का लेंगे और उतना ही बड़ा टुकड़ा हम उल का लेंगे। हमने क्या किया, इस सारे थ्रेड को, यानी सारे फाइबर को इस वाटर में हमने डाल दिया। तो हम क्या करेंगे,
वाटर में डालने के पहले हम सारे थ्रेड को अलग अलग हम उसको वेट कर लेंगे कि भाई वो कितना ग्राम का है। जब हम वेट कर लेंगे सारे थ्रेड को तो कंपेरिजन करने में काफी इजी हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, जब सारे थ्रेड को एक साथ हम वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में डालने के बाद सारे थ्रेड को निकाल करके हम फिर हम उसको वेट करते हैं तो वेट करने के बाद क्या पता चलता है, क्या किए हम सारे थ्रेड को हमने क्या किया, सेम साइज का लिया। सेम साइज का लेने के बाद अलग अलग नायलॉन के थ्रेड, नायलॉन को हमने वेट कर लिया, कॉटन को वेट कर लिया और उल को भी वेट कर लिया। वेट करने के बाद हमने क्या किया, सारे को हम वाटर में डाल करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद हम फिर उसको निकाल करके रीवेट करते हैं। रीवेट करते हैं तो मालूम चलता है क्या कि जो उल है उल, इन्होंने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद कॉटन एब्जॉर्ब किया और लास्ट में नाइलॉन। ये कैसे पता चला, हमने क्या किया कि सारे फाइबर को, चाहे वो उल हो, कॉटन हो, नाइलॉन हो, अलग अलग हमने वेट कर लिया, उसके बाद कॉपी में राइट कर लिया सारे का वेट। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम साइज का लेंगे, अलग अलग साइज का नहीं लेंगे, सेम साइज का। उसके बाद हमने वाटर में इस पूरे को हमने डाल दिया, क्लियर। कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इसका हम रीवेट करेंगे। रीवेट किया तो मालूम चला क्या कि उल का वजन ज्यादा है, यानी कि उल ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद कॉटन का वजन आया, यानी उल के बाद कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद लास्ट में हम नायलॉन का हम वेट करते हैं तो मालूम चला नायलॉन काफी कम मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब किए, 9 के बराबर। यानी कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसका हो गया, उल का हो गया, उसके बाद कॉटन का, और सबसे लेस किसका है, ये नाइलॉन। सपोज करो कि सिल्क को भी हम ले लेते हैं, सिल्क, सिल्क ऐसा थ्रेड है तो ये नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है ये, और हमने इसमें सिल्क को भी जोड़ दिया। सिल्क को का भी हमने छोटा सा टुकड़ा, जितना साइज का नाइलॉन कॉटन उल लिया उतना ही साइज का हम सिल्क का भी ले लिया, तो उसको भी हम सारे को फिर से हम रीवेट कर लिए, सारे को हम वेट कर लिया ड्राई कंडीशन में, और ड्राई कंडीशन में वेट करने के बाद हम उसको भी इसमें डाल दिया। डाल देने के बाद फिर हम रीवेट किया तो रीवेट करने के बाद क्या मालूम चला, उल का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफी हाई, यानी कि उल का वजन, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उल का वजन ज्यादा था इसलिए उल का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई। उसके बाद कॉटन का, तब सिल्क आते हैं और लास्ट में नायलॉन होते हैं। यानी कि उल जो है वो हाई एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होंगे और नायलॉन वेरी लेस, यहां लेस नहीं कहेंगे, वेरी लेस कहेंगे, वेरी लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्लियर। तो हम इस एक्टिविटी के माध्यम से हम क्या स्टडी किया, तो हमने ये स्टडी किया कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नेचुरल फाइबर का सिंथेटिक फाइबर के अपेक्षा में काफी हाई होते हैं। अब हम थर्ड एक्टिविटी का स्टडी करते हैं, थर्ड एक्टिविटी बर्निंग कैपेसिटी, यानी बर्निंग बिहेवियर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड ये नेचुरल फाइबर, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो ध्यान देंगे हम
कि अगर बर्निंग कैपेसिटी का स्टडी करते हैं, एक्टिविटी हम थ्री ले रहे हैं, हम इस एक्टिविटी के माध्यम से बर्निंग बिहेवियर का हम स्टडी कर रहे हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में। तो हम क्या देखते हैं, जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनका बर्निंग कैपेसिटी क्या होता है, काफी हाई होगा या लेस होगा सिंथेटिक फाइबर के अपेक्षा में। तो सिंथेटिक फाइबर के अपेक्षा में जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनका बर्निंग बिहेवियर क्या है, तो जो नेचुरल फाइबर होंगे वो जल्दी नहीं जलेंगे, वो धीरे धीरे जलेंगे, क्लियर। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है, अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर रख देते हैं और हम यहाँ पे आग फायर करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के, तो हम देखते हैं क्या कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है इजिली फायर को कैच कर लिए, क्लियर। और कैच करने के बाद ये सिकुड़ते हुए जलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नेचुरल फाइबर में क्या हुआ कि नेचुरल फाइबर को माने फायर कैच करने की कैपेसिटी सिंथेटिक फाइबर की अपेक्षा में कम होते हैं। सो दैट हम नेचुरल फाइबर को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हम फायर को थोड़ा सा उसके नजदीक में लाएंगे, तब वो आग जलना स्टार्ट करेंगे और वो स्लोली जलेंगे, धीरे धीरे जलेंगे, पूरा नहीं जलेंगे, धीरे धीरे जलेंगे। लेकिन वही अगर सिंथेटिक फाइबर है तो दूर से ही फायर को कैच कर लेंगे और कैच करने के बाद सिकुड़ते हुए वो मेल्ट करते हुए जलना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि फायर कैच करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है, तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर में इसका फायर कैपेसिटी किसका हाई होगा, तो सिंथेटिक फाइबर का बर्निंग कैपेसिटी हाई होंगे और नेचुरल फाइबर का बर्निंग कैपेसिटी लेस होगा। यही कारण है कि हम लोग बताते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का बने हुए कपड़े पहन करके किचन में वर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किचन में हम काम कर रहे हैं, खाना बनाने के समय में अगर हम उस कपड़े को पहने हुए हैं, हो सकता है कि फायर को इजिली कैच कर ले और कैच करने के बाद जलने लगे, हमारा शरीर जल सकता है। तो हम जब भी किचन में खाना बनाने का वर्क करें तो किस तरह के फाइबर को, फैब्रिक्स का कपड़ा पहन करके हम किचन में जाए, तो नेचुरल फाइबर। क्यों? नेचुरल फाइबर का बर्निंग कैपेसिटी सिंथेटिक फाइबर के अपेक्षा में कम होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ एक्टिविटी के माध्यम से हम सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बीच में कंपेरिजन किए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। थैंक यू।